हेलो, आज हम बताने वाले हैं इंडसइंड बैंक CSP, RTSP, CSP भारत मनी फाइनेंशियल बैंक क्या है, कैसे काम होता है, उसमें लोन कैसे किया जाता है और कमीशन लिस्ट, अकाउंट डिटेल्स, लिमिट डिटेल्स, पासबुक, पूरा जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो आप लास्ट तक देखें एंड चैनल में नया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको हम बताते हैं RTSP CSP, इंडसइंड बैंक CSP और भारत फाइनेंशियल इंडसइंड बैंक CSP जो है वो एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। बट ये जो RTSP CSP है ये आपको मोबाइल एप्लीकेशन में आपको यूज़ करना होगा, ये डेस्कटॉप वर्जन में अभी तक नहीं आया है, शायद आगे चल के आएगा। आपको और एक बात बताते हैं, आप सोचेंगे कि ये इंडसइंड बैंक का CSP जो है इंडसइंड में मिलता है, बैंक में मिलता है, ब्रांच में मिलता है, नहीं ये ब्रांच से नहीं मिलता है, ये आपको भारत फाइनेंशियल से मिलता है। RTSP के नाम से RTSP CSP है ये, इंडसइंड बैंक से मेन ब्रांच से CSP आपको नहीं मिलेगा और वहाँ से नहीं देता है अभी ऑल इंडिया में, वो अभी CSP लॉन्च नहीं किया गया है, मेरे ख्याल से अभी तक वो लॉन्च भी नहीं है और किसी के पास है भी नहीं, और अगर है भी तो उसमें लोन नहीं होता है। फिर आपको हम बताते हैं RTSP CSP में कौन सा आप डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। पहले था मंत्रा, ओनली मंत्रा डिवाइस आप यूज़ कर सकते थे, बट अभी है मंत्रा, मॉर्फो और PB510 जो है वो आप तीनों यूज़ कर सकते हैं और आगे चल के शायद और भी अपडेट आ जाएगा। उसके बाद हम आपको बताते हैं इसका जो है कमीशन लिस्ट आपको बता रहे हैं, सबसे पहले जो लिया था हम फर्स्ट में लिया था तो उस टाइम आपको अकाउंट ओपनिंग में, RDFD में, हर चीज़ों में लोन में कमीशन मिलता था अच्छे तरीके से, बट अभी जो है इसमें लोन कमीशन का जो है आपको बहुत ही कम कर दिया गया। अकाउंट ओपनिंग में आपको कोई भी कमीशन नहीं दिया जाता है, RDFD में आपको 5 रुपये कमीशन दिया जाता है और RDFD कराते हैं कस्टमर का, क्लाइंट का, तो 7% इंटरेस्ट क्लाइंट को मिलता है। और लोन में आप अगर लोन एक्ट कराते हैं तो आपको 150 रुपया मिलता है और अगर फेल हो जाता है तो उसमें आपको जो है कोई कमीशन नहीं दिया जाता है। अगर आप कस्टमर का, क्लाइंट का लोन कराना चाहते हैं तो सबसे पहले RTSP CSP में लॉगिन करने के बाद आपको वहां पे CV चेक करने का, इंस्टेंट CV जो है वहां पे क्लिक करने के बाद आपको लोन का जो है उसका CV चेक कर लेना है, एलिजिबल है या नहीं। अगर एलिजिबल नहीं है तो उसमें और बात करके कोई फ़ायदा नहीं है और उसमें आपको ध्यान देके कोई फ़ायदा नहीं है, उस कैंडिडेट को उसको छोड़ देना है। फिर जिसका अगर आपको मान लो कि CV एलिजिबल क्लिक है, रेडी है, तो उसका जो है CV रेडी करने के बाद, चेक करने के बाद सब कुछ ठीक ठाक है, उसके बाद आपको उस कैंडिडेट का, क्लाइंट का अकाउंट ओपनिंग करना होगा, नॉन मेंबर अकाउंट ओपनिंग। उसके बाद अकाउंट में आपको उसका 800 रुपया या 1000 रुपया डिपॉजिट कर देना है और फिर उसी अकाउंट का, उसी कैंडिडेट का एक तो RD कराना है, जो 200 करके आपको RD को बढ़ाना है, 4 सप्ताह तक आपको RD को यूज़ कराना, चलाना है 200-200 करके। उसके बाद वो जो RD है आपका, जो लोन आने के बाद उसका RD ऑटोमेटिक क्लोज कर लेना है आपको और अमाउंट जो है आपको अकाउंट में आ जाएगा, मिल जाएगा और उसका कमीशन भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद लोन लेने के लिए आपको RD और SB अकाउंट तो हो जाता है, होने के बाद उसका जो है स्टेटमेंट 3 मंथ का आपको डालना है अदर्स बैंक का, और जिस बैंक का आप स्टेटमेंट डालेंगे उसी बैंक का आपको डिटेल्स भी भरना है, वहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालना है, IFSC कोड, और वहाँ पे आपका अकाउंट डिटेल्स, ब्रांच नेम आपको डालना है। डालने के बाद वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेना है आपको। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद वहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, और यही नहीं कि जिस दिन आप RD और अकाउंट ओपनिंग कराते हैं उसी दिन आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, आप बाद में भी कर सकते हैं 2-4 दिन, उसमें कोई टेंशन नहीं है। और अगर आपका रिजेक्ट होता है तो किस रीज़न से, किस कारण से रिजेक्ट होता है वो भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड में देखने को मिल जाएगा कि किस कारण आपका जो है डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो चुका है। अगर आपको लोन अप्रूवल कराने के लिए एकदम क्लियर कट वीडियो चाहिए, हम उसके लिए अलग से आपको क्लियर वीडियो बना के दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद हम आपको बताते हैं यहाँ पे आपको जो RTSP CSP में कितना अकाउंट ओपनिंग कर लिया है, कितना ट्रांजेक्शन किया है, आपको वो स्टेटमेंट जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे, आपको वो स्टेटमेंट नहीं दिखेगा कि कितना अकाउंट आपका हो चुका है, अब तक कितना जो है आपने क्या कर लिया है, वो सब आपका स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं दिखेगा। उसके बाद हम आपको बताते हैं यहाँ पे जो आप अकाउंट ओपनिंग कराएंगे इसमें, उस अकाउंट ओपनिंग का अकाउंट को आपको कस्टमर को अपना प्रिंटर से प्रिंट करके देना हो, कस्टमर का अकाउंट पासबुक जो है होम डिलीवरी नहीं होगा, वो आपको अपना प्रिंटर से प्रिंट करके देना होगा। और आपको हम बताते हैं यहाँ पे डेबिट कार्ड का, अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो डेबिट कार्ड के लिए कस्टमर का ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है हम आपको उसके लिए अलग से वीडियो बना के दे चुके हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको हम बताते हैं 6 महीने के बाद आपको जो है कस्टमर को डेबिट कार्ड मिलेगा, उससे पहले आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको हम बताते हैं यहाँ पे कस्टमर अकाउंट का जो है लिमिट जो है आपको 30,000 तक का डेली लिमिट है आधार विड्रॉ से
यानी कि आरडीएसपी सीएसपी से वो 30,000 तक का डेली विड्रॉ कर सकता है और डिपॉजिट भी वो कर सकता है। उसके बाद आपको हम बताते हैं ये जो है आरडीएसपी सीएसपी, ये अदर जैसे कि एईपीएस है, जो अदर्स एईपीएस है, स्पेस मनी पे, नियर बाय नो पे या आरएनएफआई, ऐसा एईपीएस में आपको ये आरडीएसपी सीएसपी का जो अकाउंट है उस अकाउंट का ट्रांजेक्शन वहाँ पर नहीं होगा। ओनली वहाँ पर इंक्वायरी हो सकता है बट वहाँ पर विड्रॉ नहीं होगा आपका। और आपको बताते हैं आरडीएसपी सीएसपी में जो है विड्रॉ भी होगा और डिपॉजिट भी होगा। डिपॉजिट जो होगा आपका जो इंडसन से, इंडसन का ही, आरडीएसपी से इंडसन बैंक का अकाउंट का ही आपका डिपॉजिट होगा, अदर्स बैंक का डिपॉजिट नहीं होगा। और विड्रॉ आप अदर्स किसी बैंक का भी विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ आपको कमीशन जो है आपको वहाँ पर 5 रुपया तक का दिया जाएगा 10,000 रुपये, ठीक है, लेकिन वो आपको जो है मंथली दिया जाएगा। विड्रॉ डिपॉजिट में 5 रुपया कमीशन दिया जाता है। आपका क्लाइंट का यानी कि अकाउंट का आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं और कस्टमर आईडी भी निकाल सकते हैं, बट उस नेट बैंकिंग से आप बस ओनली अमाउंट को चेक कर सकते हैं और स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं, आप वहां से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। और आपको हम बताते हैं उस जो नेट बैंकिंग करने का सिस्टम है उसके लिए अलग से वीडियो बना के रखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो उस वीडियो का लिंक। फिर आपको हम बताते हैं आरडीएसपी सीएसपी आपको कैसे मिलेगा। आरडीएसपी सीएसपी लेने के लिए आपको ओनली आधार कार्ड एंड पैन कार्ड का ज़रूरत पड़ेगा और मोबाइल नंबर का ज़रूरत पड़ेगा बस, आपको और कुछ दूसरा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम आपको बताते हैं आपका जो है नज़दीक की बीएमओ होगा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बीएमओ होता है, उसका कॉन्टेक्ट आपको होना चाहिए, उसके बाद ही आपका जो है सीएसपी होगा। और ये सीएसपी लेने के लिए आपको ओनली रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होता है जो कि 450 या 500 रुपया होता है, या फिर अलग से कोई लेता है 500-1000 रुपया तो वो अलग से भाड़ा वाड़ा या फिर खुशी से आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद आपको हम यहाँ पे बताते हैं आरडीएसपी सीएसपी लेने के लिए जो आपका नज़दीकी बीएमओ है आपको कैसे कॉन्टेक्ट मिलेगा। नज़दीकी बीएमओ का कॉन्टेक्ट करने के लिए आपको हम एक कस्टमर केयर का नंबर दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको ऊपर स्क्रीन में भी हेडलाइन में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस नंबर पे आपको क्लिक कर लेना है और नंबर पे कॉल करना है, आपका एड्रेस बोल लेना है और आपको बोलने के हिसाब से वहाँ पे आपका जो है बीएमओ का नंबर और कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिल जाएगा। फिर वहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट करना है, जाना है और आपका जो है सीएसपी के लिए अप्लाई करना है और आपका सीएसपी जो है 2 या 3 दिन या 5 दिन के अंदर रेडी लॉन्च हो जाएगा। बट अभी आपका जो है सीएसपी कोई भी तरीका का सीएसपी जैसा इंडसन हो या कोई भी सीएसपी हो अभी आपका नहीं होगा, मार्च क्लोजिंग के बाद यानी कि अप्रैल के 15 तारीख के बाद ही आपका जो है सीएसपी रेडी होगा, सीएसपी देना स्टार्ट होगा, अभी बंद है। तो आपको हम बताते हैं ये अगर सीएसपी चाहिए तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ पे जो है नंबर है कस्टमर केयर का वहाँ से भी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट पे बता सकते हैं। एंड हमारे चैनल पे नया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।